हेलो फ्रेंड्स तो देखिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बच्चे सीए इंटरमीडिएट में मई 2024 के अंदर एग्जाम देने वाले हैं आपके टैक्सेशन के अंदर जो जीएसटी वाला पोर्शन है वहां पर कौन सी अमेंडमेंट्स आई हैं कहां पर कुछ चेंजेस आए हैं तो उन चेंजेस को आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि अगर आप पुराना लॉ पढ़ के जाएंगे तो दिक्कत होगी देखिए एग्जाम में आप गलत आंसर अपना लिख के आएंगे तो सही आंसर लिखने के लिए ज़रूरी है कि आपको अमेंडेड लॉ पता होना चाहिए तो सी ए इंस्टीट्यूट ने देखिए अमेंडमेंट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है तो उन्हीं सभी अमेंडमेंट्स को हम वन बाय वन देखिए ओवरव्यू लेते हुए चलेंगे किस तरीके से अमेंडमेंट्स आई हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली

ऑनलाइन यहां पर एक वर्ड ऐड कीजिए मनी गेमिंग तो ऑनलाइन मनी गेमिंग देखिए इस तरीके की एप्लीकेशन बेस्ड आपकी आ, गेमिंग होती है गवर्नमेंट ने इसको भी देखिए अब जीएसटी के अंदर टैक्सेबल कर दिया है इसी के साथ साथ कसीनो और हॉर्स रेसिंग की आपकी चीजें जो है एक्टिविटीज जो है ये पूरी जीएसटी के अंदर टैक्सेबल है एक्शनेबल गेम होने के बावजूद इसके साथ साथ देखिए कुछ यहां पर डेफिनेशन दी गई है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग का मतलब क्या होता है ऑनलाइन गेमिंग का मतलब क्या होता है वर्चुअल डिजिटल एसेट का मतलब क्या होता है तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा और इसके रिस्पेक्ट में किस तरीके से हम यहां पर वैल्यूशन करेंगे एक अलग से देखिए Evaluation, rules, value of supply chapter के अंदर हैं, जो कि Intermediate का पार्ट नहीं है, लेकिन Final के अंदर आपको पूछे जा सकते हैं तो ध्यान रखिएगा ऑनलाइन मनी गेमिंग हॉर्स रेसिंग और सर आपका कसीनो की सर्विस की जाती है तो वो जीएसटी के अंदर पूरी तरीके से टैक्सेबल है भले ही आपने ये जो वगैरह है अपने स्किल पर जीते हो या अदर देन स्किल पर जीते हो उससे फर्क नहीं पड़ता चलिए नेक्स्ट अमेंडमेंट की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट आइए देखिए आपकी यहाँ पर भी सप्लाई अंडर जीएसटी चैप्टर के अंदर और इसके अंदर देखिए गवर्नमेंट ने कहा है जैसे कि सपोज आप सिनेमा हॉल में मूवीज वगैरह देखने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पर छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स होते हैं ईटिंग स्टॉल्स होते हैं जहां से आप खाने पीने का सामान खरीद सकते हैं कुछ रिक्रिएशनल नेचर की एक्टिविटीज़ की जा सकती है कॉइन ऑपरेटेड मशीन्स के द्वारा वेंडिंग मशीन्स के द्वारा तो गवर्नमेंट ने कहा है जितने भी देखिए वहां पर ईटिंग स्टॉल्स हैं या काउंटर्स हैं जहां से आप फूड आइटम्स परचेज करते हैं उन्हें हम रेस्टोरेंट सर्विस की तरह ट्रीट करेंगे और उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करेंगे लेकिन अगर सपोज आप सिनेमा हॉल में मूवी देखने गए और वहां पर देखिए आपसे कहा गया कि वन थाउजेंड रुपीज की टिकट है जिसके अंदर आपको सर एक सॉफ्ट ड्रिंक कॉम्प्लीमेंट्री दी जाएगी मतलब यहां पर क्या है कि सर अब देखिए ये जो सिनेमा हॉल के अंदर एग्जीबिशन ऑफ मूवी की सर्विस है इसको देखिए सॉफ्ट ड्रिंक के साथ कंबाइंड कर दिया गया और अगर आप देखिए सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं तो भी ठीक है नहीं लेते हैं तो भी ठीक है लेकिन अगर आप देखिए टिकट परचेस कर रहे हैं तो आपको सॉफ्ट ड्रिंक दी जाएगी और अगर आप सोचते हैं कि सर नहीं ऐसे तो टिकट एट की है और आपने यहां पर सॉफ्ट ड्रिंक के साथ एड करके इसको वन की कर दिया हम आपके सिनेमा हॉल में मूवी नहीं देखते तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट कह रही है कि ये यह सप्लाई के देखिए क्राइटेरिया को सेटिसफाई कर देगा और जब ये कॉम्पोजिटि सप्लाई बन जाएगी तो यहां पर देखिए जो आपकी टिकट है सर्विस ऑफ एग्जीबिशन ऑफ सिनेमा वाली ठीक है जी इसके ऊपर पूरा जीएसटी चार्ज किया जाएगा अलग से जो आपको फूड आइटम मिल रहे हैं उसके ऊपर रेस्टोरेंट सर्विस के हिसाब से टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा तो ध्यान देने वाली बात यह है कि सर जितने भी देखिए देखिए फूड स्टॉल्स स्टॉल्स हैं 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 ईटिंग उनको रेस्टोरेंट सर्विस समझा जाएगा वेरी सिंपल चलिए चलते नेक्स्ट नेक्स्ट अमेंडमेंट अमेंडमेंट की तरफ आपकी आई है जिसमें गवर्नमेंट कह रही है कि होल्डिंग कंपनी देखिए सब्सिडी कंपनी के शेयर करके रखती है तो क्या होल्डिंग कंपनी यहां पर किसी तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो गवर्नमेंट ने कहा देखिए जो आपकी शेयर होते हैं ये सिक्योरिटी के डेफिनेशन के अंदर आते हैं और मनी और सिक्योरिटी देखिए ना ही गुड्स ट्रीट की जाती है ना ही सर्विस ट्रीट की जाती है जीएसटी के अंदर तो यहां पर होल्डिंग कंपनी किसी भी तरीके से कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रही है सब्सिडी कंपनी को तो आप ये नहीं कहोगे हो कि होल्डिंग कंपनी ने शेयर एक्वायर किए हैं तो वो आपका जीएसटी के अंदर आएगा ठीक है जी वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट आपकी देखिए चार्ज अंडर जीएसटी चैप्टर के अंदर आई है इसके अंदर गवर्नमेंट ने कहा है कि देखिए अगर डायरेक्टर अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है कंपनी को तो वो रिवर्स चार्ज में टैक्सीबल होता है लेकिन अगर डायरेक्टर पर्सनल कैपेसिटी में या फिर प्राइवेट कैपेसिटी में कोई सर्विस प्रोवाइड करता है तो वो रिवर्स चार्ज मैकेजम के अंदर नहीं आएगा फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डायरेक्टर है सपोज डायरेक्टर है ठीक है जी और इनके पास अपनी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी और ये रेंट पे दे देती है कंपनी को तो गवर्नमेंट यहां पर क्या कह रही है कि सर ये देखिए प्राइवेट नेचर में पर्सनल नेचर में प्रोवाइड की गई सर्विस है ये के अंदर नहीं आती, ये के अंदर ही और इसके ऊपर जीएसटी लगेगा वेरी सिंपल नेक्स्ट अमेंडमेंट देखिए आपकी आई है जिसके अंदर गवर्नमेंट ने कहा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनिटेटरी लोकल अथॉरिटी के द्वारा किसी बिजनेस एंटिटी को, को कोई सर्विस प्रोवाइड की जाती है तो वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सीबल है लेकिन ये चार सर्विसेज बताई गई थी जिसमें गवर्नमेंट ने कहा था फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा तो अब यहाँ पर जो लास्ट वाली सर्विस थी जिसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट लिखा था इसके अंदर गवर्नमेंट ने एक चीज और एड कर दी है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज यानी कि अगर इंडियन रेलवेज देखिए अपनी कोई सर्विस प्रोवाइड करती है किसी बिजनेस एंटिटी को तो वो आपकी रिवर्स चार्ज के अंदर नहीं आएगी फॉरवर्ड चार्ज के अंदर आएगी इस चीज का ध्यान रखेंगे सेम वे अगर देखिए कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दी जाती है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को ठीक है जी तो गवर्नमेंट ने कहा था वहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा लेकिन अगर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इंडियन रेलवेज कोई भी देखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी रजिस्टर्ड पर्सन को देखिए रेंट पे देती है तो गवर्नमेंट कह रही है कि वो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर आएगा वेरी सिंपल चलिए नेक्स्ट अमेंडमेंट की तरफ चलते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट देखिए आपकी आई है सेक्शन नाइन अंदर इसके अंदर गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर ओमनी बस के थ्रू आप पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहे हो और जो यहां पर ट्रांसपोर्टर है वो सर एक कंपनी है और ये जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की जा रही है तो यहां पर यह सर आपका देखिए पूरी तरीके से फॉरवर्ड चार्ज के अंदर कवर होता है मतलब कंपनी यहां पर टैक्स पे करेगी फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है इनके पास ओमनी बस है ठीक है जी और ये ओला उबर के थ्रू देखिए इस बस की मदद से पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहे हैं तो हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर यहां पर इस सर्विस पे गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट के थ्रू क्या दिया कि नहीं कंपनी ही यहां पर आगे गवर्नमेंट को टैक्स पे

आप देखिए कोई मोटर बाइक हुआ या कोई गाड़ी हुई किसी दूसरे स्टेट में परचेस करते हैं ताकि आपको जो टैक्स का अमाउंट है वो कम लगे ठीक है जी तो गवर्नमेंट यहां पर कहती है कि इन सिचुएशंस के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई किस तरीके से डिटरमाइन किया जाएगा और ये हम देखिए अनरजिस्टर्ड पर्सन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट यहां पर कह रही है कि जब सप्लायर इनवॉइस इशू करेगा तो अगर वो देखिए इनवॉइस के ऊपर अनरजिस्टर्ड पर्सन का एड्रेस मेंशन करता है तो जो एड्रेस मेंशन किया गया है पर्सन uh, का वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा लेकिन अगर सपोज आपके पास उसका प्लेस ऑफ एड्रेस नहीं है तो जो सप्लायर की लोकेशन है वही प्लेस ऑफ सप्लाई रहने वाली है वेरी सिंपल चलिए नेक्स्ट अमेंडमेंट पे चलते हैं तो देखिए नेक्स्ट अमेंडमेंट के अंदर गवर्नमेंट ने दो क्लरिफिकेशन इंसर्ट करी हैं और वो क्या क्लरिफिकेशन है उसको समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल देखिए हमें पे लेना होगा सपोज एक पर्सन है ए लिमिटेड ठीक है जी कंपनी है एक दूसरी कंपनी है बी एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड और सर एक तीसरी कंपनी है सी लिमिटेड इंडिविजुअल भी हो सकते हैं पर्सन की डेफिनेशन आपने पढ़ी है यहां पर गवर्नमेंट कह रही है कि सपोज इस तरीके से देखिए आपने रोड साइड पे देखा होगा बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं एडवर्टाजमेंट के लिए ठीक है जी और ये जो होर्डिंग्स लगे हुए हैं इनको ओन करती है सी लिमिटेड ठीक है जी तो सी लिमिटेड को यहां पर वेंडर कहा जाएगा और सपोज ए लिमिटेड पहुंचती है एडवर्टाइजिंग कराने के लिए बी लिमिटेड के पास और बी लिमिटेड कहती है कि ठीक है सर हम आपके एडवर्टाइजमेंट यहां पर करवा देते हैं ठीक है है जी और बी लिमिटेड जाती सी लिमिटेड के पास कि सर हमें आपकी ये होर्डिंग्स जो है ये चाहिए ताकि हम इस पर एडवर्टाइजमेंट कर सकें तो गवर्नमेंट यहां पर कह रही है कि ये जो वेंडर है सी लिमिटेड ये यहां पर किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो गवर्नमेंट ने कहा यहां पर देखिए सप्लाई ऑफ सेल ऑफ स्पेस ऑन होर्डिंग आप ये जो स्पेस अवेलेबल है ठीक है जी ये स्पेस अवेलेबल करवा रहे हो किसको एडवर्टाइजिंग कंपनी को जिसके लिए एडवर्टाइजिंग कंपनी देखिए इनको कुछ अमाउंट पे

रहने वाली है वेरी सिंपल अच्छा इसके अंदर एक चीज और बताई गवर्नमेंट ने सेकंड क्लैरिफिकेशन में क्या बताई मैं आपको दिखा भी दूंगा अभी सेकंड क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ने कहा कि सपोज अगर इन होर्डिंग्स को जो ओन कर रही है ये जो वेंडर है यहां पर यही इनको ऑपरेट करती है ठीक है जी यही इनको ऑपरेट करती है मैनेज करती है इसका मतलब अगर देखिए यहां पर भी एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड इनके पास जाते हैं और कहते हैं कि सर हमें यहां पर होर्डिंग्स वगैरह लगानी है तो यह क्या कहेगी सी लिमिटेड कि सर आपके जितने भी फ्लैग्स हैं जो भी कंटेंट है जो भी आपका देखिए बैनर है पोस्टर है ये आप हमें दे दीजिए हम लगवा देंगे इसकी लाइटिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस सब हम देखेंगे आपने कहा कि छह महीने तक आपकी एडवर्टाइजमेंट लगी रहनी चाहिए हम लगा के रखेंगे तो गवर्नमेंट कह रही है कि यहां पर हम ये नहीं कहेंगे कि सी लिमिटेड ने अब यह स्पेस अवेलेबल करवाया है अब हम कहेंगे कि सी लिमिटेड भी कहीं ना कहीं एडवर्टाइजिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रही है और इस सिचुएशन

नेक्स्ट अमेंडमेंट की तरफ मूव करते हैं जो कि आइए आपके एक्जामेशन चैप्टर के अंदर इसके अंदर देखिए आपने पढ़ा था कि अगर सैटेलाइट लॉन्च की सर्विस प्रोवाइड की जाती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा या न्यू इंडिया लिमिटेड के द्वारा तो गवर्नमेंट ने कहा था पूरी तरीके से एग्जेट है अब इसमें दिक्कत क्या थी क्योंकि गवर्नमेंट ने देखिए यहां पर इन तीन ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दिया था इससे फर्क यह पड़ रहा था कि ये तीन ऑर्गेनाइजेशन अगर सैटेलाइट लॉन्च की सर्विस प्रोवाइड करेंगे तभी एग्जेमशन मिलेगी अदरवाइज एग्जेंशन नहीं मिलेगी तो गवर्नमेंट ने इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन के नाम को काट दिया है और क्लियरली कह दिया कि सैटेलाइट लॉन्च की सर्विस देखिए अगर इंडिया में प्रोवाइड की जाती है तो पूरी तरीके से एग्जेम्ट है ताकि ज्यादा से ज्यादा देखिए बाहर की कंट्रीज इंडिया में आए अपने सैटेलाइट को लॉन्च करवाने के लिए जिससे कि इंडियन गवर्नमेंट को फॉरन करेंसी में रेवेन्यू जनरेट हो वेरी सिंपल अगली जो आपकी अमेंडमेंट आई देखिए पर चैप्टर में गवर्नमेंट ने कहा कि अगर सर्विस प्रोवाइड की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्टेट गवर्में, या लोकल अथॉरिटी के द्वारा एक दूसरे को तो वो पूरी तरीके से है जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि ये तीन सर्विसेज अगर दी जाएंगी तो ये एक्जेंशन नहीं मिलेगी अब यहां पर गवर्नमेंट ने देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को भी ऐड कर दिया मतलब अगर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज या इंडियन रेलवे किसी भी तरीके की कोई सर्विस प्रोवाइड करती है केंद्र सरकार राज्य सरकार लोकल अथॉरिटी को या फिर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार को तो वहां पर जीएसटी चार्ज किया जाए

जीएसटी लगेगा फॉरवर्ड चार्ज के अंदर इसी तरह देखिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरेटरी सर किसी भी प्रकार की कोई सर्विस प्रोवाइड करती है ठीक है जी तो वो एग्जेम्प्ट होती थी लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि यहां पर इन चार केसेस में एक्जेम्पन नहीं मिलेगी ठीक है जिसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट था तो यहां पर भी गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को ऐड कर दिया है मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अगर देखिए किसी भी प्रकार की कोई सर्विस प्रोवाइड करती है तो वो टैक्सेबल है और आप एक बात यहां पर समझिएगा जो आपका ये पॉइंट नंबर फोर था इसके अंदर हमने यहां पर बिजनेस एंटिटी वर्ड लिखा था मतलब अगर देखिए ये पर्सन किसी बिजनेस एंटिटी को और बिजनेस एंटिटी का मतलब यहां पर रजिस्टर्ड पर्सन है इनको प्रोवाइड करती है तो सर ये पूरी तरीके से टैक्सेबल है लेकिन सर मैं लिख देता हूं यहां पर टैक्सेबल लेकिन सर अगर यही किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड की जाती है अनरजिस्टर्ड पर्सन का मतलब जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो वो पूरी तरीके से फिर एक्म हुआ करती थी ठीक है जी तो ये इंडियन रेलवे वाला पॉइंट यहां पर एड कर दिया गया है इन शॉर्ट आप समझ सकते हैं कि इंडियन रेलवे अब जितनी भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो गवर्नमेंट उस पर टेक्सीबिलिटी अराइज कर रही है ठीक है जी वेरी सिंपल एक चीज और ध्यान रखिएगा इंडियन रेलवे से अगर आप टिकट करवाते हैं तो अगर एसी टिकट है तभी उस पर वो जीएसटी चार्ज करेंगे अगर देखिए स्लीपर क्लास है या जनरल क्लास है तो वहां पर जीएसटी नहीं लगता इसके बाद देखिए गवर्नमेंट ने एक नई एग्जाम्पन्न इंट्रोड्यूस करी है जिसके अंदर गवर्नमेंट ने कहा कि अगर देखिए जो नीचे लिखी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं किसी गवर्नमेंटल अथॉरिटी को ठीक है जी तो वो पूरी तरीके से एक्जेम्ट है कौन सी सर्विस वाटर सप्लाई की पब्लिक हेल्थ की सैनिटाइजेशन कंजर्वेंसी की या फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की या फिर स्लम इंप्रूवमेंट या अपग्रेशन की फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है ए लिमिटेड और दिल्ली जल बोर्ड देखिए इनसे कहती है कि सर ये दिल्ली के अंदर एक एरिया है एक्स ठीक है जी और आप इस एरिया में पाइपलाइंस बिछा दीजिए तो अब ए लिमिटेड देखिए दिल्ली जल बोर्ड को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो गवर्नमेंट ने कहा यहां पर ए लिमिटेड जीएसटी चार्ज नहीं करेगी तो वाटर सप्लाई पब्लिक हेल्थ सैनिटाइजेशन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कचरे का निपटारा और जो स्लम इंप्रूवमेंट है है इसमें काम कर रहे हो आप सरकार को देखो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो आप जीएसटी चार्ज नहीं करोगे चलिए अगली अमेंडमेंट की तरफ मूव करते हैं वैल्यू सप्लाई चैप्टर के अंदर इसके अंदर बस देखिए इतनी सी बात बताई गई है कि जो आपने देखिए मेरे साथ अभी भी पहले चैप्टर के अंदर सप्लाई सप्लाएडर जीएसटी में बात पढ़ी सर

इसके बाद सर बात करते हैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर आई अमेंडमेंट की यहां पर गवर्नमेंट ने देखिए काफी चेंजेस किए हैं रूल 25 के अंदर जो कि आपने पढ़ा था हमारे साथ चैप्टर में इसमें क्या बात बताई गई थी कि सर अगर आप देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं और फिजिकल वेरिफिकेशन होती है आपके प्लेस ऑफ बिजनेस की जो कि कि तीन में होती थी पहला सिचुएशन क्या था आप आधार ऑथेंटिकेशन करने से फेल कर जाते हो आपका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाता या फिर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ठीक है फिर भी जो है फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेनी चाहिए या फिर देखिए डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर के बेसिस पर आपको आइडेंटिफाई किया जाता है कि आपका सर प्लेस ऑफ बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन

पहले कर रहा है तो उसको देखिए इस तीस दिनों के समय के खत्म होने से पहले कम से कम पांच दिन पहले देखिए अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट करनी होगी अलोंग फोटोग्राफ्स और अलॉन्ग भी डॉक्यूमेंट्स उसने कलेक्ट किए हैं ठीक है जी लेकिन अगर जो फिजिकल वेरिफिकेशन की जा रही है सर वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद की जा रही है तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट ने कहा है कि प्रॉपर ऑफिसर जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा देखिए वो फिजिकल वेरिफिकेशन होने के पंद्रह दिनों के अंदर अंदर करेगा ये देखिए आपकी रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर अमेंडमेंट आई थी पहली चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट अमेंडमेंट अमेंडमेंट की तरफ तो में गवर्नमेंट ने देखिए कहा कि आपने रूल टेन ए पढ़ा था जहां पर गवर्नमेंट ने कहा था कि आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स फर्निश करनी होती है और ये जो आपको फर्निश करनी होती है फोर्टी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न अंडर सेक्शन थर्टी नाइन इज अर्लियर यह टाइम पीरियड बताया गया था अब गवर्नमेंट ने इस टाइम पीरियड के अंदर चेंज कर दिए गवर्नमेंट ने कहा कि सर आपको विद इन पीरियड ऑफ थर्टी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और बिफोर फर्निशिंग जीएसटीआर वन और यूजिंग आई एफ एफ विच एवर इज अर्लियर इन दोनों डेट्स में से जो भी डेट पहले आएगी उस टाइम पीरियड तक आपको देखिए अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स फर्निश करनी होगी वेरी सिंपल तो टाइम लिमिट यहां पर चेंज कर दी गई है इंपॉर्टेंट आपकी ये अमेंडमेंट है अच्छा अगली अमेंडमेंट क्या बताई अगली अमेंडमेंट देखिए गवर्नमेंट ने रूल ट्वेंटी वन ए सब रूल टू ए के अंदर बताया कि कपलसरी होता है लेकिन देखिए बहुत सारे ऐसे पर्सनस है जिन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है क्यों क्योंकि उनकी एग्रीगेटर्नर स्पेसिफाइड लिमिट से कम है और आजकल देखिए ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत ज्यादा होने लग गई है आप चीजों को ऑनलाइन परचेज करते हैं तो ऐसे बिजनेसमैन जो देखिए अनरजिस्टर्ड है क्योंकि उनके एग्रीगेट टर्न स्पेसिफाइड लिमिट से कम है और वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें देखिए पहले कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था अब गवर्नमेंट ने इनको देखिए सहूलियत दी है कि ये बिना रजिस्ट्रेशन लिए भी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर सकते हैं प्रोवाइडेड कि इन्हें कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी पहली कंडीशन ये कही कि सर ये इंटरेस्टेड सप्लाई नहीं करेंगे दूसरी बात कि किस पर्टिकुलर देखिए स्टेट के अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से सप्लाई करना चाहते हैं इन्हें ये बात बतानी होगी और केवल एक ही स्टेट के अंदर या यूनिट टेरेटरी में ये सप्लाई कर सकते हैं इनको अपना पैन फर्निश करना होगा इसके साथ साथ इनको अपना प्लेस ऑफ बिजनेस बताना होगा ठीक है जी और जब देखिए ये चीज़ें वैलिडेट हो जाएंगी तो जिस पर्टिकुलर स्टेट में ये सप्लाई करना चाहते हैं विद दी हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ये सकते हैं इस साथ इस साथ इनको एक एनरोलमेंट नंबर दिया जाएगा और इस एनरोलमेंट नंबर के बिना आइए सप्लाई नहीं करेंगे और एक से ज्यादा देखिए आपको एनरोलमेंट नंबर नहीं मिलेंगे ठीक है जी इसके साथ साथ देखिए आप बिना एनरोलमेंट नंबर के कोई सप्लाई नहीं कर सकते हैं और एक बार अगर आप सेक्शन 25 के हिसाब से वॉलंट्री रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो ये एनरोलमेंट नंबर आपका इफेक्ट में नहीं रहेगा इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी ठीक है जी वेरी सिंपल चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट की तरफ देखिए ये सारी अमेंडमेंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आप इनको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो सर आप हमारा कोर्स देखिए परचेज कर सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा इससे हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है चलिए टेक्स्ट इन्वॉइस चैप्टर के अंदर आई आपकी अमेंडमेंट की बात करते हैं तो सर देखिए ई इनवाइसिंग की लिमिट पहले दस करोड़ हुआ करती थी मतलब फाइनेंशियल सत्रह अठारह या इसके बाद कभी भी आपकी अगर एग्रीगेट टर्नओवर दस करोड़ कर गई, तो आपको इशू करना पड़ता था लेकिन अब गवर्नमेंट ने इस दस करोड़ की लिमिट को घटाकर पांच करोड़ रुपए कर दिया है वेरी सिंपल इसके साथ साथ देखिए ऐसे पर्सन जिनको ई इन वॉयस इशू करना मैंडेटरी है क्योंकि उनकी एग्रीगेट टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा हो गई है और अगर वो सप्लाई करते हैं किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को या फिर गवर्नमेंट को या फिर किसी गवर्नमेंट एजेंसी को या फिर किसी लोकल अथॉरिटी को किसी यूपीएसयू को तो गवर्नमेंट उन्हें कह रही है कि सर यहां पर इस पर्सन को ई इन वॉयस इश्यू करना होगा प्रोवाइडेड कि उसके एग्रीगेट टर्नओवर इस लिमिट से ज्यादा हो पहले ये चीज नहीं हुआ करती थी वेरी सिंपल चलिए आगे बात करते हैं तो सर अगली जो आपकी अमेंडमेंट आई है ये आई है पेमेंट ऑफ टेक्स्ट चैप्टर के अंदर और इसके अंदर देखिए काफी इंपॉर्टेंट बात बताई है गवर्नमेंट ने देखिए सेक्शन 50 हम पढ़ते हैं जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि आपको कब इंटरेस्ट पे करना है किस तरीके से पे करना है तो गवर्नमेंट यहां पर कह रही है कि सपोज अगर गलत तरीके से आपने अपना आईजीएसटी का क्रेडिट क्लेम किया और बाद में आपने रिवर्स कर दिया सपोज मैंने अप्रैल की अपनी रिटर्न फाइल करी और अप्रैल की रिटर्न मैं कब फाइल करूंगा बीस मई को और मैंने सपोज यहां पर गलत तरीके से आई जो है अवेल कर लिया था और बाद में मुझे 15 जून को यह बात पता लगी तो गवर्नमेंट यहां पर कह रही है कि अगर सर मई से लेकर इस पीरियड के बीच में आपका जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है उसका टोटल बैलेंस जितना क्रेडिट आपने गलत तरीके से लिया था क्योंकि यहां मैंने देखिए गलत तरीके से क्रेडिट क्लेम किया था और यहां मैंने उस क्रेडिट को वापस अपने आप ही रिवर्स कर दिया सपोज मैंने पांच हजार का गलत तरीके से सपोज मैंने पचास हजार रुपए का गलत तरीके से क्रेडिट अवेल कर लिया था और बाद में मैंने रिवर्स कर दिया तो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस टोटल बैलेंस ठीक है जी सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी यू टी एस मिलाकर वो अगर इस बैलेंस से कम नहीं हुआ तो मुझसे देखिए इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा सपोज इस पीरियड के बीच में मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर साठ रुपए थे ठीक है जी जिस पीरियड में मैंने गलत तरीके से क्रेडिट अवेल किया और बाद में उसको रिवर्स भी कर दिया तो गवर्नमेंट मुझसे जो है इंटरेस्ट नहीं लेगी लेकिन अगर सपोज बैलेंस मेरा दस हजार रुपए चला गया तो यहां पर गवर्नमेंट कह रही है पचास हजार आपने लिया था दस हजार आपका बैलेंस है चालीस हजार रुपए के ऊपर आपको हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा यही बात यहां पर बताई गई है वेरी सिंपल चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट की तरफ नेक्स्ट अमेंडमेंट में देखिए गवर्नमेंट ने कहा है कि आपके पास जो जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस का क्रेडिट होता है इसका इस्तेमाल आप सिर्फ कॉम्पनसेशन सेस की पेमेंट के लिए करोगे और किसी भी चीज की पेमेंट के लिए आप इसका यूज नहीं करोगे वेरी सिंपल देखिए ये अमेंडमेंट्स अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको हमारा कोर्स परचेज करना होगा चलिए अगली आपकी देखिए जो अमेंडमेंट आती है वो टीडीएस टीसीएस चैप्टर के अंदर आई है और इसके अंदर गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप सप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर देखिए अपनी जीएसटीआर एट फाइल करता है इसके साथ साथ देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर होता है ये बताता है कि उसने किन किन लोगों का देखिए टीसीएस कलेक्ट किया है तो गवर्नमेंट ने कहा है कि जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन का इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स कलेक्ट करता है जब वो उन्हें पेमेंट कर रहा है कस्टमर से रिसीव करके तो ये सारी चीजें देखिए वो अपडेट करेगा उनको कम्युनिकेट करेगा लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन का किया है तो वहां पर उसे कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर सप्लाई की जाती है तो वहां पर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता वेरी सिंपल चलिए नेक्स्ट अमेंडमेंट की तरफ मूव करते हैं आपकी पिछले महीने की जीएसटीआर नहीं फाइल करी जीएसटीआर आपने पिछले महीने की फाइल नहीं करी ठीक है जी इस तरीके की कुछ सिचुएशन थी तो अब गवर्नमेंट ने इसके अंदर कहा है कि अगर आपको देखिए रूल एटी डी के अंदर इंटीमेशन आया था और आपने इस इंटीमेशन का देखिए टाइमली रिप्लाई नहीं दिया या फिर उसके अंदर जो टैक्स लाइबिलिटी बताई गई थी वो पे नहीं करी तो आप

और ये काम आपको सात दिनों के अंदर करना है तो अगर देखिए आप सात दिनों में काम कर देते हैं तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं सब कुछ ठीक है लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वहां पर देखिए गवर्नमेंट कैरी के सेक्शन और सेक्शन सेवन के हिसाब से हम आपसे जो जो है है यहां पर इस एक्सेस क्रेडिट की कलेक्शन करेंगे तो ये आपका रूल रूल डी था बिल्कुल रूल 88 सी से मिलता जुलता जो कि अभी बिल्कुल रिसेंटली एड किया गया है तो ये देखिए वो सारी अमेंडमेंट थी जो आपने मेरे साथ देखी जो मई दो के अंदर एग्जाम में आने वाली है तो इन सभी अमेंडमेंट्स को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो जैसा मैंने आपको कहा आप हमारा कोर्स परचेज कीजिए और अगर आप देखिए पूरा टैक्सेशन हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं और एक मुश्किल से सब्जेक्ट को आसान बनाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ देखिए इस कोर्स को परचेज करके जुड़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक के लिए थैंक यू सो मच